आ जाओ सलात सुन्नत की राह पर, रब को राजी कर लो, वो राजी हो जाएगा तो काम बनेगा। और अगर उसको राजी करना है तो उसके महबूब को राजी करो, ये उसका ऐलान है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चंद बातें मेरी इंशाल्लाह जरूर रहेंगी। आज आज आपके ब्रेडफोर्ड में ये महफिल है और कल जो है वो इंशाल्लाह मेरी आखिरी महफिल होगी ओल्डम में, सुल्तान बाहू ट्रस्ट के जरिए एहतमाम। ये ओल्डम यहां से कोई ज्यादा दूर तो नहीं, बस आधा घंटा, तो ये कोई दूर तो नहीं है। तो मैं हजारों मील दूर से आ गया, हजरत हजारों मील दूर से आए हैं, तो अगर आप ये चंद मील अगर ना आए हैं तो फिर आप सब बेमुरवत कौन? तो बेमुरवत सुनी नहीं होते, अल्हम्दुलिल्लाह मुरवत होती है। तो कल भी आइए, कौन कौन आएंगे, कौन कौन आएंगे, देखो नियत कर लो, नियत का सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। आप तो बिल्कुल आएंगे, आप तो ऐसे आते हैं कि सब बेचारे जोर कहते हैं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, लेकिन आपका इंशाअल्लाह और सुभानअल्लाह इतना पावरफुल है कि सबके सब दब जाते हैं, एहसास नहीं रहता कि वो कौन बोल रहा है। अल्लाह ताला आपके ज़ौक और शौक में मजीद तरक्की दे, तरक्की इक़दाल के साथ। आइए दुरूद पाक पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह। अपने भाई के लिए जगह बना देना ये सुन्नत है। ये जो पीछे ताखीर से आने वाले ना, जो हसबे यानी कि अपनी आदत है दायमा लाजमा मुतवात से मजबूर है, जो आते ही एंड में, चलो उनके लिए रास्ता बना ही दो। अच्छा होता ये है, ये सुन लीजिए, एक मसला सुन लीजिए, कि होता ये कि आखिर में आते हैं और फिर फलांग फलांग के एक दूसरी गन्ने फलांग के आते हैं, ये सख्त मना है, ये सुन्नत के खिलाफ। लेकिन फलांग फलांग कर नफिल में आना ये मना है, जिसको जगह जगह मिले वहीं बैठ जाए, यही सुन्नत है। तो इतना अजीब लगता है, ये तो आओ ताखिर से और फिर अपने यूं ताकत का मुजाहरा करते हुए इसका सर का क्या बनेगा, ये गलत है। ये जो इतनी देर से बैठे हुए आगे ये कोई इनका हक नहीं बनता। तो अगर आप जल्दी आ जाए तो बहुत अच्छा है। और अब मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा कि वो बैठे बैठे अपनी जगह से हिलने की खड़े ना हो, बैठे बैठे आगे की तरफ चले जाए, आ जाए आ जाए। मैं मुझे इल्म है और मैं इस बात का मुझे एहसास भी है कि खुदा की कसम मैं इस लायक नहीं हूं कि मेरे करीब हुआ जाए, लेकिन कम से कम इतना तो है कि इस वक्त नाक पढ़ रहा हूं ना, तो इसी निस्बत से आ जाए। माशाल्लाह, देखो आपने ये सिरकना शुरू किया और कितनी जगह बन गई, ठीक है, बस छोड़ नहीं दे, कीप क्वाइट प्लीज, अब बैठ जाए, आपकी जगह बन गई, बैठ जो खड़े हैं भाई, अब बैठ जाओ, आओ आपके लिए मेहनत की मैंने, सारी मेहनत थोड़े वास्ते, बह जाओ। Sallallahu alayhi wa sallam ya Rasulullah, Allah ki sar saab qadam shaan gaye, मेरे इमाम कहते हैं अल्लाह की सर ताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, इंसान
نہیں انسان وہ انسان ہے کعبے سے اگر تربت شاہ فاضل ہے محبوب کا روزہ اور وہ جسم کا وہ زمین کا ٹکڑا جو زمین کا وہ حصہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں دستر سے لگا ہوا وہ حصہ کعبے سے بھی ارزن ہے اور شکر سے بھی ارزن ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں کتنے بھی مقابل کسی کے نصیب اختلاف نہیں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے اسلام میں کیا ہے چیز میں سیدھے ہاتھ کو فضیلت ہے کس کو دینا ہے سیدھا سے لو لینا ہے سیدھا سے لو تقسیم کرنا ہے سیدھا سے کرو سیدھے ہاتھ کو فضیلت ہے لیکن جب آپ مدینہ منورہ میں جائیں اور ریال جنہ میں بیٹھ جائیں کعبے کی طرف سمت منہ کر کے تو روزہ جو ہے وہ الٹی طرف ہے ہر چیز میں سیدھے ہاتھ کو فضیلت لیکن روزہ وہ روزہ جو جس کی عظمت کعبے سے بھی افضل فاضل ہے وہ لیفٹ کیوں بائیں کیوں اس پر اعلیٰ حضرت بتوں کی کہ کعبے سے اگر تربت شاہ فاضل ہے کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے اس فکر میں جو دل کی طرف دھیان گیا سمجھا کہ وہ جسم ہے یہ مرقد دل ہے صلی اللہ علیہ وسلم رسول